जब मरना है तो घर पर ही मरे, यह सोच मजदूरों को पलायन करने पर मजबूर कर रही है, जिसके चलते नेशनल हाईवे में छोटी बड़ी गाड़ियों के रेला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जीशान जावेद आपके साथ। पैदल, साइकिल, ऑटो, टेम्पो, ट्रक, जिसे जो मिला उसी से चल दिया अपने घर की ओर। जहां कोरोना के खौफ से काम बंद है, खाने की समस्या आ रही है, वहीं सरकारी मदद भी नहीं मिल पा रही है। मैं इस समय मौजूद हूं रीवा के बाईपास पर। ये नेशनल हाईवे 30 है, रीवा से इलाहाबाद, रीवा से बनारस, तमाम उत्तर प्रदेश की सीमा को जोड़ता है, महाराष्ट्र की सीमा को जोड़ता है नागपुर, नेशनल हाईवे है। इस रोड पर इस समय यातायात का भारी दबाव देखा जा रहा। आमतौर पर यह रोड पूरी तरीके से खाली होती थी, लेकिन इस समय इस पर यातायात का भारी दबाव, महाराष्ट्र, सूरत, बेंगलोर, हैदराबाद, तमाम तरीके से तमाम जगह के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि मैं अपने आपको टीवी स्क्रीन पर इस समय दिखाना चाहूँगा, एक आप ट्रक देख रहे हैं, इस ट्रक पर ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं, नीचे भी बैठे हुए हैं, तमाम लोग इस तरीके से बैठे हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई भी चीज़ नहीं, वजह केवल और केवल एक, इनको अपने घर जाने की जिद, अपने घर जाने की जल्दी। मेरी तमाम लोगों से बात हुई, सबका यही कहना था, सरकार ने उस तरीके की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जो कराना चाहिए था। रास्ते में कहीं खाना मिला तो कहीं खाना नहीं मिला। मैं आज उन तमाम लोगों से आपकी बातचीत जरूर कराऊंगा, दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, मैं कोशिश करूंगा उनसे बातचीत करने की। आइए जानते हैं, कब चले थे आप और क्या दिक्कतें हैं आपको, कब चले थे आप लोग, क्या दिक्कतें हैं बताइए, कब चले थे, क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत बहुत है, सरकार का कोई मेहरबानी नहीं है हम लोगों पर, हम लोग अपने परिश्रम से निकल रहे हैं। कब चले थे? अरे चले तो हम 5 तारीख से हैं, 5 तारीख से हम लोग चले हैं, यहाँ तक आज तक आ चुके हैं। रास्ते में सरकार का कोई मेहरबानी नहीं है, मानना पड़ेगा। बाजू के गांव देश के लोग पानी पिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, खिचड़ी दे रहे हैं, पैकिंग दे रहे हैं, इनका एहसान मानना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार मिश्रा। देखा आपने किस तरीके से यहाँ के लोगों की समस्या है, एक एक करके मैं काफी लोगों से बातचीत करूंगा। आज बोलने के लिए कुछ नहीं है, केवल और केवल आपको दिखाने के लिए यहाँ पर जो भी समस्याएं हैं, जिस तरीके की समस्याएं यहाँ पर लगातार आ रही हैं, हम केवल और केवल आपको वो चीजें दिखाएंगे, आज हम बोलेंगे कुछ नहीं। मैं तो केवल इतना ही बोलने के लिए तो इतना ही बोलूंगा, ऊपर वाला ये दिन कभी किसी को ना दिखाए। न्यूज नेटवर्क टुडे के लिए मैं जावेद अंसारी, समीम सौदागर के साथ। नेशनल हाईवे 30 का नजारा इन दिनों बदला बदला सा है, हजारों की तादाद में वाहनों की कतार अपनी कहानी स्वयं बयां कर रहे हैं। ट्रकों के अंदर भूसे की तरह भरे हुए लोग, ऑटो, पैदल, साइकिल, वह सारे वाहन जिसमें मजदूर सफर कर सकता है, आपको इन दिनों अपने चारों ओर नजर आ रहे हैं। हमने भी कुछ नजारे अपने कैमरे में कैद किए, कुछ लोगों से बातें भी की, कहां से आए, कहां जाना है, कैसे आए, खाना मिला कि नहीं, तमाम ऐसे सवाल जिसका केवल और केवल एक जवाब, सरकार के इंतजाम नाकाफी। रास्ते में पड़ने वाले शहर के लोगों ने मदद की, कहा जा सकता है असली हिंदुस्तान यही है, एक दूसरे के दुखों में संकट के समय काम आना। आइए आपको लेकर सीधे चलते हैं नेशनल हाईवे 30 पर। यह मार्ग पश्चिम उत्तर पूर्व से दक्षिण को भी उत्तर पूर्व से जोड़ता है, कहा जा सकता है मुंबई, सूरत, हैदराबाद, तेलंगाना, नागपुर से बिहार, यूपी जाने के लिए यह रास्ता काफी प्रसिद्ध है। कब चले थे आप लोग? आप लोग आज 5 दिन हो गए हैं। आरटीओ वाले ले रहे हैं कहां पर? पीछे पीछे खड़े होके हमने खुद लूट रहे सब आदमी लोगों से। ट्रक वाले क्या करेंगे, एक तो आदमी को पहुंचा रहे, ऊपर से पैसा भी ले रहे हैं। कितनी दूर यहां से है? यहां से ज्यादा 1.5 किलोमीटर आगे।
ठीक, मैं अभी जा रहा हूँ। 250 किलोमीटर। कहाँ जाएं आप लोग, कहाँ जाएंगे? मुंबई से। जाएंगे कहाँ? हम लोग को वाराणसी आज अमर जाना है। वहाँ पर पैसा भी वसूली कर रहे हैं पुलिस वाले। चार दिन हो गया। कहाँ से आए, क्या करते थे, क्या करेंगे, क्या बेगारी काम करते थे सर? बेगारी क्या, कब चले थे वहाँ से? वहाँ सर सब चले थे सोमवार के, आज 4 रोज हो गया। रास्ते में खाना पीना? खाना पीना कुछ नहीं, हम लोग किधर रुके रहे, नहीं कुछ नहीं। किस क्लास में पढ़ते थे, कहाँ से आए हो? हम सेकंड क्लास में पढ़ रहे थे, हम लखनऊ से आए। कहाँ जाओगे? छत्तीसगढ़। हम लोग का परिवार है, हम लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, है? हम लोग को नगर सेवक भी सुविधा नहीं देता है, बच्चे लोग को खाने को भी नहीं सुविधा मिलता है। बॉम्बे में किस तरीके का इंतजाम था? हम लोग को भाईंदर में नहीं, वहाँ इंतजाम किस तरीके के किए गए? कोई इंतजाम ही नहीं है। अभी किसके पास राशन कार्ड है उसको राशन मिलता है, जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उसको कुछ नहीं मिलता है। कैसे आया हूँ भाईंदर से, कोई वहाँ व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो भी है सब ट्रक वाले के जरिए सब आदमी अपने घर पहुँच रहे हैं। लोग बोले थे ट्रेन लगेगा, यहाँ फार्म भरो, लाइन में लगे, वहाँ पे फार्म भरो, वो मेडिकल कराओ। हमको वहाँ सब परेशानी मिली है, लास्ट में ट्रक से हमको भागने का वो मिला सुविधा, जो भी है सब ट्रक वाले लोग। रास्ते में क्या किस तरीके की दिक्कतें आई? वहाँ बहुत दिक्कत आई है बहुत, बाकी पब्लिक के सेवा के हिसाब से खाना पीना मिला है, वहाँ पे पब्लिक दान पुण किया है, उनकी वजह से सब पेट भरा सकता। बॉम्बे में क्या करते थे आप? हैं बॉम्बे में क्या करते थे? बॉम्बे में स्टील प्लांट में काम कर रहा था। क्या नाम है आपका? संजय गुप्ता। अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचने का यही एकमात्र इलाज है। अभी तक हमने ये करके दिखाया है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार। चलो।